हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ, ऑब्वियसली क्योंकि ये दिख रहे हैं तो इनके बारे में वीडियो शेयर करने वाली हूँ। तो मुझसे बहुत से लोगों ने पूछा था कि इनको खाने में क्या दिया जाए जो इनके लिए हेल्दी होता है, जो अच्छा होता है। तो मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो बना ली जाए। तो फिलहाल ये मुझसे अभी बहुत नाराज है क्योंकि मैंने इन्हें बहुत देर से अपनी वीडियो शूट करने के लिए, मेकअप की वीडियो शूट करने के लिए बाहर कर रखा था मम्मी के साथ, तो इसलिए बहुत गुस्से में है। बेबो तो मेरे सारे सामान के साथ खेल रही है फिलहाल, तो मिट्टू बहुत गुस्से में है। मिट्टू हाय बोलो। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि कौन सा खाना खिलाना आपके पेरेंट्स के लिए हेल्दी होता है, अच्छा होता है, और आप इन्हें बाहर से भी कौन कौन से फूड आइटम्स दे सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। बट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। और यस, अगर आप नोटिफिकेशन चाहते हैं हर लेटेस्ट वीडियो की तो बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपसे कहूंगी कि आप जो चाहे अपने पेरेंट्स को दे सकते हैं, मतलब आप घर में आप जो भी कुक करते हैं वो अपने पेरेंट्स को दे सकते हैं, और अच्छा वही होता है बिकॉज आप घर में हेल्दी खाना ही कुक करते हैं। दाल, चावल, सब्जी, रोटी, सलाद, फ्रूट्स होते हैं, तो ये सारी चीजें आप इनको दे सकते हैं। तो कोशिश कीजिए कि आप जो भी खाएं इन्हें जरूर खिलाएं बिकॉज वो इनके लिए हेल्दी भी होगा और इनकी किसी एक चीज को खाने की आदत नहीं पड़ेगी। अदरवाइज कभी कुछ सीजन्स में ऐसा होता है कि कोई पर्टिकुलर फ्रूट अगर नहीं मिलता है तो इन्हें बहुत प्रॉब्लम होती है। इसलिए हमने इन्हें शुरू से हर वो चीज खिलाई है जो हम खाते थे। एक्सेप्ट आपको ध्यान क्या रखना है, ध्यान ये रखना है कि बहुत ज्यादा ऑयली खाना आप इन्हें ना दें और बहुत ज्यादा मसाले वाला भी खाना इन्हें ना दें, ये दोनों ही इनके लिए अच्छा नहीं होता है। फ्रूट्स आप इन्हें सारे दे सकते हैं। मेरे दोनों को, मिट्टू और बेबो को, दोनों को ही, बेबो अपनी शक्ल तो दिखाओ, अभी नहीं आ रही है, अभी वो सारे सामान के साथ बस खेलने में बिजी है। तो फिलहाल मेरे दोनों पैरट्स को अमरूद बहुत पसंद है, अनार पसंद है, अंगूर बहुत पसंद है, इवन एप्पल्स भी इन्हें बहुत पसंद है। तो ये फ्रूट्स हर तरीके का खाते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब ये सीजनल फ्रूट्स खाते हैं। तो सेकेंड मुझे बहुत अच्छा ये लगता है कि ये सभी वो चीजें खा लेते हैं जो हम इन्हें देते हैं, किसी चीज के लिए इन्हें हमें जबरदस्ती नहीं करनी पड़ती है, तो वॉट एवर वी गिव ये खाते हैं। नेक्स्ट इनको मैं अलग से, जो भी हम दाल चावल सब्जी रोटी कुक करते हैं, जो हम खीरा या जो ककड़ी होती है, ये सब हम इन्हें खाने के लिए देते हैं, ये सब खाते हैं। एंड आफ्टर दैट हम बस एक चीज और अवॉइड करते हैं कि हम इन्हें मीठा कुछ भी खाने के लिए ना दें। शुरू में मुझे नहीं पता था तो मैंने इन्हें देखा कि ये मीठा बहुत चाव से खाते हैं, तो मैं इनको मीठा दे दिया करती थी प्यार में। बट मुझे फिर किसी ने बोला कि आप इन्हें मीठा बिल्कुल भी मत दीजिए। देन फ्रॉम दैट डे मैंने इनको मीठा एकदम ही बंद कर दिया। बट फिर भी ये कभी अगर सामने दिख जाता है इन्हें तो ये हमारी नजर हटी और दुर्घटना घटी, ये खा ही लेते हैं। तो फिलहाल बट आपको कोशिश यही करनी है कि आप इन्हें मीठा, मसालेदार या ऑयली खाना ज्यादा ना दें, ज्यादा इनफैक्ट बिल्कुल भी ना दें, ये इनके लिए तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। नेक्स्ट मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि पानी इन्हें हमेशा देते रहें इनका। अगर आप पिंजड़े में इन्हें रखते हैं तो आप पानी जरूर दीजिए, फिलहाल पिंजड़े में रखना इज नॉट गुड। बहुत से लोग बोलते हैं कि आपकी ये दोनों कैसे बाहर रह लेते हैं। आई कैन शो यू, मेरा फैन भी है, फैन भी चल रहा है आप देख रहे होंगे, एंड नीचे मैं बैठी हुई हूँ, बट उसके बाद भी मुझे कोई टेंशन नहीं है, कोई डर नहीं है। ये कभी भी रूम में उड़ते नहीं है तो इसलिए मुझे डर नहीं है कि इनके इनके साथ कुछ ऐसा हो सकता है। बट येस आई एम, एंड हमारे पूरी फैमिली जो है इनके लिए बहुत केयरफुल रहती है कि कभी अगर ये पर्दे पे चढ़ जाए, जैसे आप मेरे पीछे पर्दा देख रहे होंगे, ये ज्यादातर पर्दे से ऊपर चढ़ जाते हैं और जाके वहां बैठे रहते हैं, फिर उतरते नहीं है, चिल्लाते हैं कि हम इनको उतारें वहां से। तो ऐसी चीजें होती हैं तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। ऐसा कैसे हुआ तो इसके लिए मैं यही कहूंगी कि जब मैं इन्हें लेकर आई थी तो ये बहुत ही छोटे थे, अभी इन्हें चलना भी नहीं आता था, तो मैंने इन्हें पिंजड़े में नहीं रखा, पहले तो मैंने शू के बॉक्स में रखा था। ये ओपनली रहते थे, बस ऊपर से हल्का कपड़ा डाल देती थी जब इन्हें रात में सोना होता था, अदरवाइज ये उसमें, और जब हमारा मन होता था तो हम उनमें से बाहर रखते थे, तो ये जब चलने लगे थोड़ा थोड़ा तो फिर हम इन्हें बाहर रखते थे। हाँ, रात में सोने के टाइम हम दोनों को पिंजड़े में कर देते थे बिकॉज यू नेवर नो, कोई भी कुछ भी हो सकता है, इसलिए हम इन्हें पिंजड़े में रख देते थे। बट मॉर्निंग में हम तुरंत इन्हें पिंजड़े से बाहर कर देते थे और ये तुरंत बाहर आ जाते थे। तो आज के टाइम में ऐसी बात हो चुकी है कि ये पिंजड़े में बिल्कुल नहीं रहना चाहते हैं, बिल्कुल भी नहीं रहना चाहते, नॉट इवन एट द नाइट। अगर ये चाहें तो, बेबो तो मेरे साथ ही सोती है मोस्ट ऑफ द टाइम, अगर मैं अकेले होती हूँ तो ये मेरे साथ ही सोती है, तो इसलिए ये हमारे साथ इतने फ्रैंक और इतने ज्यादा फेमिलियर हो चुके हैं कि ये हमसे दूर रहते नहीं है, बल्कि ये दोनों मुझसे तो बिल्कुल भी दूर नहीं रह सकते। मेरे घर वाले भी बहुत परेशान रहते हैं कि मैंने इनकी ऐसी आदत लगाई है कि ये 2 सेकंड के लिए भी अगर मैं हिलती हूँ
अगर मैं हिल गई इनके सामने से तो फिर ये चिल्लाना जो शुरू करते हैं, मेरा नाम ले लेके बेबो चिल्लाती है, तो बहुत प्रॉब्लम होती है। तो आप इतना भी अटैच मत कर लीजिए कि अगर कभी आप सामने ना हो तो इनको खाना पीना ये बंद कर दे या ये सारी, बट फिलहाल ऐसा नहीं होता है क्योंकि मम्मी पापा भी शुरू से रहे हैं तो वो उन्हें खाना देते हैं, साथ में ये रहते हैं उनके भी। बट यस, ये कहीं ना कहीं मेरे पीछे इतना पड़े रहते हैं कि मैं इनके सामने रहूं तो दे आर हैप्पी, अदरवाइज दे विल बी लाइक, मतलब बहुत ज्यादा परेशान कर देते हैं। तो बात करते हैं खाने की हम, क्योंकि खाने के बारे में बात कर रहे थे। तो आप इन्हें सलाद हर तरीके का दीजिए, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स दे सकते हैं। इवन हम लोग कभी कभी सब्जियां काटते हैं डिनर के लिए या लंच के लिए, तो हम देखते हैं कि ये वहां फटाक से आके बैठ के उन सब्जियों को खाने लगते हैं, तो हम कच्ची सब्जियां जैसे बैगन हो गया, लौकी हो गई, इन्हें देते हैं खाने के लिए और ये बड़े मजे से खाते हैं। मिर्ची इन्हें बहुत पसंद है, आप मिर्ची इन्हें खिलाते रहिए। बादाम आप अगर चाहें तो इन्हें काजू भी दे सकते हैं, मेरे वाले दोनों बादाम खाते हैं बट काजू खाना बिल्कुल पसंद नहीं करते। एंड मूंगफली के दाने इन्हें बहुत पसंद हैं, तो हम वो सारी चीजें, अगर मूंगफली छिलके वाली होती है तब तो इन्हें बस पूछो मत कितना मजा आता है, ये फोड़ फोड़ के खाएं चाहे ना खाएं लेकिन सारी मूंगफलियां फोड़ के रख देंगे, ये हालत है। तो ये है। इसके अलावा रिसेंटली मैंने ऑनलाइन पढ़ा कि सनफ्लावर सीड्स जो होते हैं इन्हें बहुत पसंद होते हैं, इन्हें दिया जा सकता है, हेल्दी भी होता है, तो मैंने सोचा क्यों ना ट्राई किया जाए। तो मैंने अमेजोन से एक सीड्स का कलेक्शन ऑर्डर किया था जिसमें बहुत सारे सीड्स का कॉम्बिनेशन था, सरसों का बीज था उसमें, बाजरे के सीड्स थे, गेहूं था, राइस था, अलसी के दाने थे एंड सनफ्लावर सीड्स थे एंड सैफ्लावर सीड्स थे। तो ये सारे सीड्स मैंने उसमें देखे, बट मैंने क्या नोटिस किया कि ये बाकी सारी चीजें तो छोड़ दे रहे थे, ये सिर्फ और सिर्फ सनफ्लावर सीड्स और सैफ्लावर सीड्स को खा रहे थे। तो मैंने सोचा कि फिर क्यों ना मैं सिर्फ उसी को इंडिविजुअली ऑर्डर करूं। तो मैंने जो नेक्स्ट ऑर्डर किया वो ऑर्डर किया है सैफ्लावर सीड्स का, बट आई डोंट नो व्हाई सैफ्लावर सीड्स के पैकेट के ऊपर सनफ्लावर सीड्स लिखा हुआ है विच हैज स्पेल्ड रॉन्ग। तो मैं आपको बताती हूँ कि मैंने क्या ऑर्डर किया है। मिठू थोड़ी देर के लिए ओके। तो मैंने जो ऑर्डर किया है फूड इनके लिए वो कुछ ऐसे ऐसे पैकेट में आया है। ये 900 ग्राम्स का पैक है, ये नेचर फॉरएवर ब्रांड की तरफ से है, बट यहाँ पे सामने अगर आप देखेंगे तो सनफ्लावर हार्ट लिखा हुआ है, बट ये सनफ्लावर के सीड्स नहीं है। मैं आपको दिखाती हूँ ये कैसे दिखाई देते हैं। तो ये व्हाइट कलर के होते हैं, ये है सैफ्लावर के सीड्स, दिस इज हाउ इट लुक्स। ये सनफ्लावर सीड्स नहीं है, ये सैफ्लावर सीड्स हैं और इन्हें हिंदी में आई थिंक कुसुम के दाने कहते हैं, मैंने नेट पे चेक किया था। तो जो सनफ्लावर सीड्स होंगे वो ब्लैक कलर के होंगे। इसी ब्रांड के सनफ्लावर सीड्स भी अवेलेबल है अमेजोन पे, तो आप उसे ऑर्डर कर सकते हैं। एंड ये था 250 के अप्रॉक्स एमआरपी में, बट मैंने जब लिया तो ये 200 के अप्रॉक्स मुझे मिला ऑन डिस्काउंट रेट। तो ये मेरे मिठुओं को और बेबो को दोनों को बहुत पसंद है। मेरी बेबो सामने पड़ी हुई है इसलिए ये जाना चाह रहे हैं, है ना? तुम भी जाना उसके पास, कहाँ जाना? बेबो पास, बेबो अजा आ गई, बेबो आ गई, देखो लो बहुत फाइटिंग होती है दोनों। सो दिस इज ऑल विच आई गिव। आप चाहे तो गाजर मूली जो भी ये खाना पसंद करते हैं आप इन्हें सब दे सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। गर्मी के मौसम आ चुके हैं, हाइड्रेट बहुत अच्छे से रखिएगा, जितना पानी वाली चीजें खिला सकते हैं खिलाइए, जितना पानी दे सकते हैं उतना दीजिए, ये सारी चीजें इन्हें मिलेंगी तो ये हेल्दी रहेंगे। बट यू हैव टू गिव गुड एंड हेल्दी डाइट, अवॉइड ऑयली फूड, मसालेदार खाना एंड मीठा, ये सभी इनको बहुत नुकसान करते हैं। सो या एवरीवन, दिस इज ऑल फॉर टुडेज वीडियो और आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। वीडियो समझ में आई है तो कमेंट जरूर कीजिएगा और जरूर बताइएगा कि आपके कोई डाउट्स तो नहीं है। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, टिल माय नेक्स्ट वीडियो, कीप ऑन वॉचिंग, टिल देन बाय बाय।